guys, welcome back to my YouTube channel Ishi Glam, and welcome if you are new here. So yes, so today we are gonna do this fun, colorful eye makeup look. You can see कि बहुत colorful सा ऐसे ऐसे colors choose किए हैं जो तुम daily में use नहीं करते हो. So this is gonna be fun क्योंकि ऐसे colors ना थोड़े उल्टे भी पड़ जाते हैं, बैकफायर भी हो जाता है. जो स्पेशली कलरफुल आई मेकअप के लिए आए हैं, सिर्फ आई मेकअप देखना है, सो उसका टाइम स्पेन मैं डाल दूँगी. और जिनको पूरा लुक देखना है कैसे बेस किया, कैसे सब क्या किया, सो दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. सो यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. एंड ऑल्सो आई विल पुट ऑल द लिंक्स of all the products that I've used in this video. जो भी सब products हैं सबका link मैं नीचे description box में डाल दूँगी. So अगर तुम्हें same products लेने हैं तो तुम ले सकते हो. और products बहुत ही ज़्यादा affordable हैं, ऐसा कुछ high end नहीं है. So beginners के लिए again, क्योंकि मैं भी एक beginner हूँ, मैं भी एक teenager हूँ, so मैं भी ज़्यादा high end products नहीं use करती. So ये उनके लिए बहुत अच्छी video है जो affordable makeup products से अच्छे funky eye look, colorful eye look या फिर पूरा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं. सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो यस, आई हैव वॉश माय फेस. अब सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है टोनर. अगर तुम मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हो तो मैं पता भी चल गया होगा. सो आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स रोज़ टोनर. सो आफ्टर टोनर we are gonna moisturize our face. So since I have super dry skin, I have to moisturize my face always. I cannot skip this part because my skin बहुत ज़्यादा dry रहती है. और अगर तुम्हारा face dry, अगर तुम्हारा base ही मतलब dry है तो foundation फिर dry लगेगा, वो लगेगा ही नहीं, patchy सा हो जाएगा. So it's important. Even oily skin वालों के लिए important है. भले कोई लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो बट मॉइस्चराइजर इज इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो तुम्हें एक ये काम भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें मॉइस्चराइजर अलग से लगाना, इतने सारे स्टेप्स नहीं करने स्किन केयर के, क्योंकि स्किन केयर करना तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर कम करना चाहते हो तो कर सकते हो. तो एक मेरे पास एक गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल है, ये एज अ प्राइमर भी काम कर जाता है. और लाइट अगर तुम्हें मॉइस्चराइजेशन के लिए चाहिए, अगर तुम्हें ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, तुम्हारी ऑयली स्किन है, तो तुम बस इसी को लगा सकते हो डायरेक्ट टोनर के बाद. एंड फिर तुम्हें प्राइमर और मॉइस्चराइजर तुम्हारा एक ही स्टेप में हो जाएगा. दिस इज सच अ लवली मॉइस्चराइजर, लाइट मॉइस्चराइजर फॉर यू नो समर्स. लाइक समर्स में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो तुम्हें कूलिंग इफेक्ट देता है, लाइक आई लव दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज वन ऑफ देम. इसे अच्छे से लगा लो. अब द नेक्स्ट स्टेप इज कलर करेक्टिंग. सो वी यूज़ दिस काइंड ऑफ पैलेट, को बहुत सारा आता है मार्केट में, और ये लेके अपनी अंडर आइज में जहाँ पे भी लाइक पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, वहाँ वहाँ लगा लो. स्लीपिंग बाय माय सेल्फ विद नो वन टू होल्ड एंड नथिंग, डोंट यू वरी माय फ्रेंड यू गॉट टाइम. सो यस, एज यू कैन सी जो हमने कलर करेक्ट करा था वो ऑलमोस्ट लाइक कैमरा में डिसअपीयर्ड लग रहा है. सो यस, नाउ टाइम फॉर द फाउंडेशन. फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस फिट मी फाउंडेशन, एंड इसमें मेरा शेड थोड़ा लाइट है. मैंने बहुत पहले फाउंडेशन लिया था, सो मैंने गलत ले लिया था. सो आई यूज़ टू फाउंडेशन, दोनों को मैं मिक्स करके अपने से मैचिंग शेड बना लेती हूँ. सो एक अच्छा हैक है उनके लिए जिनको कन्फ्यूजन होता है कैसे फाउंडेशन ले, और अगर गलत आ गया है, बाई चांस गलत ऑर्डर हो गया है, तो तुम ये कर सकते हो कि अगर लाइट हो गया है तो डार्क शेड का मंगा सकते हो, और अगर डार्क हो गया है तो एक लाइट शेड का मिक्स करके अपने से मैचिंग शेड बना सकते हो. यस, विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोना ब्लेंड दिस फाउंडेशन. It's something inside of you that wants to be free. I said we are young and afraid, but life is unpredictable. Can you be the one that takes the foundation is done.
अच्छा, सो इस फाउंडेशन लगाने के बाद तुम्हारा फेस, इवन दो लाइक मैचिंग स्किन टोन का फाउंडेशन है, अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि अगर तुम्हारा फेस वाइट वाइट लग रहा है, नॉर्मल स्किन टोन से ज़्यादा वाइट लग रहा है, सो जैसे मेरा फाउंडेशन मेबेलिन का है और ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज मतलब अभी तुम्हारा, जैसे अभी अगर मैं एंड तक तुम देखोगे तो ये थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही खुद मेरी स्किन से मैच कर जाएगा, सो ये अगर ज़्यादा वाइट लग रहा है तो बाद में ठीक हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। इफ़ यू आर थिंकिंग ये तो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, ये बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, ये सब ठीक हो जाना है बाद में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर, एंड फॉर दैट आई यूज़ द इनसाइड प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर। सो आई एम गोना अप्लाई दिस अंडर माय आईज। Points of the face, so it can be the bridge of your nose. Basically, you have to apply the highlighter, the concealer on the high points of your face. So now the concealer is done, and now time to pack the concealer. Lines ban jate hain under eyes mein concealer lagane ke baad, to wo aise baad mein na bane, to usse jaise humne ek cream concealer lagaya, liquid lagaya, koi cheez bhi, jaise maan lo koi bhi cheez tum liquid laga rahe ho, usse tumhe powder se pack karna hai, so tumhe isse bhi powder se pack karna hoga, to ek baar acche se niche blend kar dena dobara। Have to use a loose powder for to pack this concealer, pack the concealer। और अगर तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट भी है तब भी तुम कर सकते हो, सो फिटनी का लूज़ पाउडर भी आता है मेबेलिन का, कॉम्पैक्ट भी ऐसे काम कर जाता है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये कंप्रेस्ड पाउडर है और वो लूज़ पाउडर है। सो नाउ विद अनदर ब्यूटी ब्लेंडर, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इट इज़ इन द शेड लाइट आइवरी। सो अब क्या करना है, इस ड्राई स्पॉन्ज को इस पर से रब करके अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले लेना है और अपने अंडर आई एरिया में इसे प्रेस करना है। Is it something inside of you that wants to be free? I said. So yes, you can see कि मैंने ऐसे अंडर आई में पाउडर ऐसे लगा लिया है लूज पाउडर की तरह, तो ये वाइट लग गया, बट इसे ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना जब तक ये सेट होता है। हम लोग करेंगे कॉन्टोर, सो वो कॉन्टोर आई एम यूजिंग द सेम इन साइड्स का पैलेट। यू कैन कॉन्टोर योर चीक बोन्स, तो कॉन्टोर भी पड़ता है अपनी जो फीचर्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए और शार्प दिखाने के लिए, जैसे मेरी डबल जिंजर है तो इसको थोड़ा जॉइलाइन वगैरह के लिए एनहांस करने के लिए तुम यहाँ पर कॉन्टोर कर सकते हो। सो कॉन्टोर ऐसा नहीं है कि चेंज कर देता है कुछ, वो बस एक इल्यूजन होता है कि तुम्हारा है वहाँ पर शेडो क्रिएट करके तुम्हें एक इल्यूजन इफेक्ट आते हो कि तुम्हारे यू नो फीचर्स बहुत शार्प हैं। I'm gonna contour my nose. To love me like that. और नोज कॉन्टोर के लिए जैसे तुमने यहाँ पे लाइंस बना ली बीच में एक ऐसे लाइन बना ली है। To love me like that. कोई हार्श लाइन्स नहीं है, बस एक शैडो जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे पास आएगा तो उसे लगेगा कि अरे ये तो तुमने लाइन्स बनाई है, कॉन्टोर किया है, तो बस एक शैडो क्रिएट होगी पास में आके, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला कि कुछ लाइन वाइन है। सो अब इस फेस को थोड़ा सा और रियल बनाने के लिए वी आर गोना यूज़ ब्लश, वी आर गोना अप्लाई ब्लश नाउ। एंड ब्लश तुम ज़रूरी नहीं है, ब्लश के बहुत सारे एप्स होते हैं, तुम लिपस्टिक को भी लेके लगा सकते हो।
myself with blush is done. So ab to main kya karna hai, even you can do it before after doing contour. So you can just take the same Maybelline Fit Me compact powder and इसे अपने फेस पे पूरा एक बार सब सेट करने के लिए जो भी सब लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाए हैं. द बेस इज कम्प्लीटली डन नाउ. नाउ टाइम फॉर द फन पार्ट, टाइम टू प्ले विद द आई शेडोज. सो मेरा टॉप भी पिंक और ब्लू टाइप का है, सो हम आई लुक भी लाइक थोड़ा मैचिंग सा बनाएंगे उससे. एंड हम लोग मेन पिंक और ब्लू यूज़ करेंगे मेन, बाकी और भी आएंगे. ये एक रिव्यू वीडियो भी हो जाएगा इस पैलेट के लिए, कि इस पैलेट से ये जो फेमस बर्थडे केक पैलेट है निकाके का, सो आई विल यूज़ दिस पैलेट. ये बहुत फन कलर्स है, ये रेगुलर यूज़ में नहीं आते क्योंकि रेगुलर में तुम अगर ना ब्राउन्स यूज़ करते हो, थोड़े न्यूट्रल कलर्स यूज़ करते हो, बट ये बहुत फंकी कलर्स हैं. सो ये लाइक अगर तुम कॉलेज में हो, तुम कुछ भी ट्राई और या कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा प्यारा प्यारा पैलेट है. सो इसको ज़रूर ट्राई करना. और ये नायका पे डिस्काउंट्स पे रहता है, सो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये वाला शेड लूँगी पिंक सा, ये थोड़ा सा डार्क पिंक सा है, इससे थोड़ा डार्क है, यू नो बहुत ब्राइट पिंकी गोल्ड टाइप का है. इस टाइप के कलर्स तुम रोज़ तो नहीं यूज़ कर सकते, बट ऐसे कभी मन करे ऐसा कलरफुल आई शेडो करने का तो ट्राई ज़रूर कर सकते हो. सो इस पिगमेंट को तो तुम फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, इसे तुम प्लेस कर सकते हो और फिर बाद में तुम ब्लेंड कर सकते हो, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, एक बार में पिगमेंट आ जाएगा. कोई भी फ्लफी ब्रश लेके इसे ब्लेंड कर सकते हो. सो नाउ आई एम टेकिंग दिस मैट कलर, तो इसमें शिमर कलर्स भी हैं, इसमें तीन शिमरी कलर्स हैं एंड बाकी सब मैट है. सो इसमें से ये वाला जो टर्कोइश ब्लू जैसा है, वैसा सा स्काई ब्लू और टर्कोइश जैसा है, तो ये शेड लेके अपने सेंटर ऑफ द आईलिड प्लेस करना है. अभी इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से इसके साथ. अब हम इसे ब्लेंड करेंगे. आई होप यू कैन सी द पर्पल कलर. सो ये मैंने कोई लगाया नहीं है पर्पल, ये ग्रेडियंट बना है मिक्स करके, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. इनर कॉर्नर में तुम्हें पिंक यूज़ करना है. सो द पिंक आई एम गोना यूज़ इज द अदर पिंक, द लाइटर वन. सो ये पिंक इनर कॉर्नर में यूज़ करना है. alone, sleeping by myself. इसे थोड़ा सा फंकी और बनाने के लिए हम इसमें शिमर ऐड करेंगे. एंड नाउ आई एम गोना टेक दिस पर्पल शिमर shade and this is so beautiful and I'm gonna apply this all over my eyelid. So jo bhi blue or pink dono jagah pe ye main apply karungi. Somebody to love me like that. Isko just apne matlab blue wale area mein zyada lagana jo shimmer shade tha, aur apne jo pink wala area hai ispe zyada mat lagana, halka sa lagana. सो अपने इनर कॉर्नर में भी जहाँ पे तुमने पिंक लगाया वहाँ पे हल्का सा पर्पल शेड लगा लेना. अब नीचे वाले लोअर लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे तो मैं वही पिंक कलर जो इनर कॉर्नर्स पे लगाया था, वही पिंक कलर अपने लोअर लैश लाइन पे लगाना है. सिर्फ लाइक नॉट इवन हाफ पे, बस इसको ऐसे कनेक्ट करना है. यू कैन आइदर यूज़ द सेम डेंस ब्रश, इससे भी पतला ब्रश यूज़ कर सकते हो. सो आई एम टेकिंग दिस छोटू ब्रश, इससे ना अपने लोअर लैश लाइन वाले को कलर पिगमेंट को इससे कनेक्ट करना है. इसके बाद जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ पर तुम वही सेम ब्लू जो लाइट ब्लू टर्कोइश ब्लू तुमने लगाया था ऊपर, वो ब्लू कलरफुल आई शेडो. ये वाला आई शेडो पार्ट तो हो गया, जल्दी से अपनी ये दूसरी आई पे कर लेती हूँ
and then we'll move to the next part. So yes, the eyeshadow part is done. Says the next step would be eyeliner, and for eyeliner I'm using the same Maybelline Colossal Bold eyeliner. For liner I'm gonna do a wing eyeliner. So yes, the eyeliner is also complete, and now time for the mascara. And for mascara I am using this Maybelline mascara. I'm gonna do two coats of it. So especially in this look, you really have to do your, it's important to do your lower lashes. Just add on to the look more. So yes, mascara is also done now, and you can see the difference. Finally, moving on to the lipstick. I'm gonna use this purple soft matte lip crayon in the shade Bold Game Time 06. Long nights alone, sleeping by myself with no one to hold and nothing. You can see instantly, जैसी लिपस्टिक के बाद, लिप क्रॉन के बाद ये लुक में लिटरली बिल्कुल जान आ गई. एंड आज मुझे अच्छा लग रहा है ऐसी मैट सा. सो आई एम नॉट गोना यूज टू मच हाइलाइटर, जस्ट अ बिट, जस्ट अ बिट. Actually, I was very nervous कि ये कैसा लगेगा एंड में, but it turned out quite beautiful. Now the last step is makeup fixing. So ये सारा makeup करने के बाद इसको fix करना important होता है. Please do not skip this, because इसके बाद look बहुत अच्छा ऐसा, you know, polish सा हो जाता है इसके बाद, और you know बिल्कुल brighten up हो जाता है. So just take any makeup fixer. I'm using this makeup fixer from Swish Beauty. It is the aloe vera with vitamin wala makeup fixer. I want to be free. I said we are young and afraid. You just see that shine and just that glowiness on my face. The makeup looks so healthy and fresh. Just ये बाद मेकअप फिक्सर के बाद जो ये सा इफेक्ट आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इन दिस लुक आई डिडंट डू माय आईब्रोज, बिकॉज आई थिंक दे आर फाइन. एंड मतलब मैं कभी कभी आईब्रोज करती हूँ, हमेशा आईब्रोज नहीं करती. आई थिंक दे लुक फाइन, सो या दे लुक गुड. आई डोंट वांट टू मेक देम टू बोल्ड, सो यस दे लुक प्रीटी गुड एंड यू कैन जस्ट सी. So yes, now the look is completely done, and you can now just wear some jewelry and you are ready to go and rock. So yes, I am wearing this small jewelry accessory. दीज आर प्रीटी सिंपल बट आई लाइक दैम. मुझे ज़्यादा ताम झाम वाले हैवी हैवी मेरे पे एक्चुअली ज़्यादा ताम झाम वाले आई डोंट थिंक सूट करेंगे. Exactly, but half ponytail maybe. I just thought maybe you can just खुल, बाकी तुम शायद खुले बाल भी कर लो तो भी अच्छा लग सकता है. मैं मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि मैं को यही करके जाना है, ऐसा कुछ फिक्स. बट इट्स लाइक जस्ट कुछ भी क्यूट सा, यू नो. Or you can just leave it open. Just don't know.
think to leave it open is a better choice. ऐसा कुछ मेरा फिक्स नहीं है, जो जब पसंद आ जाए कुछ भी स्टाइल, रैंडम स्टाइल कर लो। हेयर स्टाइल्स में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, आई डोंट नो। मोस्टली मैं बाल खुले रख लेती हूँ। मे बी यू कैन जस्ट लीव दिस ऑल्सो, आई एम जस्ट शोइंग यू कि सो देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। एंड आई थिंक इस पर खुले बाल ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। Something inside of you that wants to be free. I said we are young and afraid, but life is unpredictable. Can you be the one? Can you be the one that takes me to dinner and wine? So yes, this is the final look. I'm going to wear jewelry. I have worn a small necklace and a piece. और ये हल्के से इयररिंग्स एंड आई एम डन। और अभी तो कहीं जाना नहीं है, बट सो मैं कुछ फोटोज़ लूँगी एंड आई विल पोस्ट देम ऑन इंस्टाग्राम टू, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड आई विल पुट माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। So yes, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Rishi Glam, and share this video with your girlfriends or friends, and keep supporting me, and thank you for the love. And literally मैं बहुत appreciate करती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था अभी यहाँ तक कि आ जाएगा और मैं continue रखूँगी इसे। So yes, I am really very happy. So yes, keep supporting me guys, and I will see you in my next video very very soon. Bye.